हाय दोस्तों, देख सकते हैं आज मैंने यहाँ पे लॉस बुक किया 64,000 का। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसके पीछे का लॉजिक क्या, हर रोज में 20,000 10,000 यहाँ पे अर्निंग कर रहा था और आज इतना बड़ा लॉस क्यों बुक किया, इसके पीछे का रीज़न मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखें तो मॉर्निंग में अगर यहाँ पे देखें तो मेरे को कॉल आया था, थोड़ा मैं आई थिंक माइंडसेट मेरा हिला हुआ था आई थिंक। अगर देखें तो कल मेरा व्यू बाय ऑन डिप था ओके, लेकिन मॉर्निंग में मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो उसकी वजह से मेरा ऐसे लेट होता। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ऑर्डर बुक देखेंगे, देख सकते हैं बहुत ओवर ट्रेड हुआ है, इसके पीछे का लॉजिक वगैरह सब, क्योंकि आपको भी है काम आने वाले वक्त, ये जो मेरे साथ हुआ है आपके साथ भी कभी ना कभी हुआ होगा कुछ। मॉर्निंग में जैसे ट्रेड लेता 399 पे उसको बाय किया, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ मैंने SL अगर देखें तो फिर से मैंने उसको यहाँ पे ऐड किया। अगर यहाँ पे 50 क्वांटिटी ऐड किया, मेरे को आज थोड़ा मतलब कॉन्फिडेंस कम था उसकी वजह से मैंने 50 क्वांटिटी ऐड किया। उसके बाद में अगर देखें तो फिर से मैंने 360 पे ऐड किया, उसके बाद में फिर 347 पे ऐड किया, क्योंकि मेरा व्यू अगर बाय ऑन डिप था, मेरे को लगा एक अच्छा सा मार्केट नीचे आया। उसके बाद में इसका SL ट्रिगर हुआ जो कि 315 का, उसके ठीक है। उसके बाद कोई नहीं, यहाँ पे मैं थोड़ा को कॉल आया, थोड़ा घर में थोड़ा मेरा काम चल रहा था वहाँ पे देखा, और उसके बाद में फिर से मैंने पहले ट्रेड चालू किया तो जो भी ट्रेड लिया मैंने सब मेरे गलत हुए। देख सकते सी साइड में सब ट्रेड जो कि 38,000 का सी, उसके बाद 38,000 के पी में ला गया। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मेरे बाइक है 244 को यहाँ पे रिकवर किया अच्छा खासा। उसके बाद 272 को इसको बाय किया, 260 SL हिट हुआ, और यानी आज मैंने क्वांटिटी कम नहीं किया। तो ये साइकोलॉजी किस तरह से डेवलप हुआ, क्यों मैंने इतने ट्रेड ले, इसके पीछे का लॉजिक अगर देखे तो यहाँ पे आपको बताने वाला। तो अराउंड मैंने आई थिंक 64,000 का प्रॉफिट लॉस बुक किया, और यहाँ पे ब्रोकरेज 2,000 करके 66,000 का यहाँ पे लॉस हो सकता है। और यहाँ पे मुझे होल्डिंग्स थी तो मार्केट नीचे की तरफ आया तो मैंने होल्डिंग्स बेच दी, तो शेयर इंडिया अच्छा सा चल रहा था, फिर भी मैंने यहाँ पे उसको निकाल दिया, क्योंकि कल अगर मैं ट्रेड करूँगा तो मेरे यहाँ पे अकाउंट में फंड्स होना चाहिए, तो मेरे अभी फंड्स तो है, तो फिर भी मैंने 64,000 तो यहाँ पे रिकवर किस तरह से करेंगे अपन यहाँ पे। तो रिकवर करने के लिए अपने स्टडी के ऊपर, अगर मार्केट आपको स्टडी के ऊपर देखिए, आपका एनालिसिस देखिए, और मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड है मनी मैनेजर, उसके हिसाब से मैं ट्रेड करूँगा। यहाँ पे मैंने आज रिवेंज के लिए ट्रेड किया, आई थिंक मैं रिकवर कर लूँगा। यहाँ देख सकते 38,000 में सबसे ज़्यादा ट्रेड किया तो यहाँ पे 21,000 का लॉस हो, उसके बाद में 39,700 के सी में कॉल किया, 5,000 का लॉस, 800 सी में कॉल किया 7, क्योंकि मेरा जो एनालिसिस था ना, मेरे को लगा था कि मार्केट बाउंस बैक करेगा, मेरा एनालिसिस आज गलत हुआ, तो उसकी वजह से मेरे को इतना बड़ा लॉस सहन करना पड़ा। चलिए अभी मैं आपको चार्ट के दिखा दूँ। जैसे 38,000 का सी, जैसे यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक किया तो यहाँ पे मैंने उसको नहीं लिया, यहाँ पे पुट लिया, ठीक है पुट में प्रॉफिट का। फिर से यहाँ पे देखे तो मैंने उसको यहाँ पे आई थिंक मेरे को लगा सपोर्ट लेगा, लेकिन मेरा एनालिसिस पूरा का पूरा आज गलत गया, तो इसकी वजह से मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी कुछ मैं आपको अपडेट दिया था, यहाँ पे डिसेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन मेरे को देखने को मिल रहा था, लेकिन आज मेरा साइकोलॉजी रहता है अपना साइकोलॉजी यहाँ पे मेरा बैठा नहीं आज, तो इसकी वजह से यहाँ पे मेरे को लॉस जनरल, मार्केट ने मेरे को यहाँ पे लर्निंग दिया कि एक बड़ा कि आप अगर यहाँ पे मार्केट में अगर प्रिपरेशन नहीं है आपका, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे आप बहुत बड़ा मार्केट को पैसा गवा दे सकते हैं। और जिन्हें आज जो कि मैंने आज की मार्केट की फीस पे कर जो कि 64,000, मेरे लिए 64,000 कुछ नहीं है, मैं रिकवर कर लूँगा, लेकिन यहाँ से बहुत सारा लर्निंग मेरे को मिला कि क्या मिस्टेक्स हुई मेरे क्या। तो कल मेरा आई थिंक मेरा पॉकेट अगर कहाँ पे गुम हुआ था तो वहाँ पे मैं पॉकेट के डॉक्यूमेंट्स वगैरह मेरा लाइसेंस वगैरह तो मैं वहाँ देख रहा था, और आज मॉर्निंग में एक बंदे ने आके मेरे को दे दिया, और तभी मेरा ट्रेड चल रहा था तभी उसने दिया, उसके साथ बातचीत हुई, तो वो सब पूरा माइंड है ना वो सब डिस्ट्रैक्ट हो गया, ट्रेडिंग का माइंडसेट क्या मार्केट में चल, पूरा पूरा तो पूरा मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया, मेरे लाइसेंस चले गए, मेरा ATM कार्ड चले गए, तो ये थोड़ा मतलब मेरा सेंटिमेंट पूरा चला गया मार्केट का, मैं एनालिसिस ने मार्केट में मेरा ध्यान नहीं था, और उसका मार्केट में मेरा ध्यान नहीं था, तो उसकी वजह से मेरे 64,000 का यहाँ पे लॉस देखने को मिला। तो यहाँ पे अगर मोटा मोटी देखें तो यहाँ पे बहुत ओवर ट्रेड हुआ है, इसका कोई लॉजिक नहीं ना आपके एक्सप्लेन कर सकता हूँ, मैं रॉन्ग हुआ, हाँ मैं रॉन्ग कहाँ पर मैं बता सकता हूँ, यहाँ पे मार्केट नीचे की तरफ आता, मेरा साइकोलॉजी लेवल था मेरे को लगे 37,950 के यहाँ पे सपोर्ट लेगा, और यहाँ पे जो ब्रेक किया तभी मैंने यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे तक मैंने यहाँ पे 50,000 का लॉस किया था, जब ये बढ़ा यहाँ पे तो 10,000 का, उसके बाद में नीचे की तरफ गया ना, मैंने पुट लिया ना मैं सिर्फ ऑब्जर्व करता रहा, और यहाँ पे 300 पॉइंट नीचे। अभी मेरे फिलहाल के लिए मैं एनालिसिस वीडियो आपको बता रहा हूँ कि क्या देखने को मिल सकता है मार्केट का सेंटिमेंट क्या, तो उस हिसाब से कल देखेंगे अगर कुछ एंट्री अच्छा मिलता है तो कम क्वांटिटी में यहाँ पे ट्रेड करेंगे। हाँ अभी जब भी मैं आज भी देख सकते हैं आज मेरा ओवर ट्रेड हुआ, यहाँ पे क्वांटिटी मैंने कम ही नहीं किया, मॉर्निंग में थोड़ा गलत हुआ था कोई दिक्कत नहीं, पर यहाँ पे मैंने क्वांटिटी कम नहीं किया। अगर निफ्टी में देखें तो निफ्टी अच्छा सा ट्रेड लिया था मैंने, पुट साइड अगर देखे 94 पर लिया था, उसको कॉस्ट को स्टॉप लॉस लगा मैंने प्रॉफिट में यहाँ पे भेज दिया 750, ये भी ट्रेड में अगर होल्ड करता तो अच्छा सा मेरे का प्रॉफिट होता, लेकिन यहाँ पे माइंड सेट मेरा थोड़ा अलग चल रहा था, ये सब कुछ साइकोलॉजी लेवल है। तो इसके ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ जो कि आपको हेल्प करेंगे कि अगर करना है तो क्या एक गलती
अवॉइड करने के लिए क्या करना चाहिए, हाँ मैं रूल्स फॉलो करता हूँ, लेकिन आज एक दिन मेरा रूल्स यहाँ पे ब्रेक्स किया, मैं स्टूडेंट को भी सिखा देता हूँ किस तरह से रूल्स फॉलो करना है क्या करना है, लेकिन मैंने आज यहाँ पे रूल्स ब्रेक किया या रूल्स का यहाँ पे मेरे को इतना बड़ा लॉस सहन करना पड़ा। तो चलिए अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो बता देना और कमेंट सेक्शन में बता देना कि इस तरह के आपके साथ भी कुछ हुआ है, किस तरह से बड़ा लॉस फेस किया है, इसके रीजंस वगैरह। तो एक वीडियो डेडिकेट वीडियो में बनाने वाला हूँ कि क्या अपन कर सकते हैं मार्केट में लॉस बचाने के लिए और क्या आप उनको फॉलो करना चाहिए। मैं भी क्या फॉलो करता हूँ, लेकिन आज मैंने फॉलो नहीं किया तो उसका प्रॉब्लम, तो मैंने बताया कि मेरी दिक्कत क्या थी तो आपको क्लियर कट बता दिया। तो चलिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।